दिस इज पंजवानी अगेन फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने साइन अप का अकाउंट क्रिएट कर लिया था। अब सबसे पहले तो हम पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को मैच करवाने वाला जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, ताकि जब पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड दोनों एक जैसे हों तभी हमारा फॉर्म आगे सबमिट हो पाए। ओके, एंड उसके बाद हम models.py में एक मॉडल क्रिएट करेंगे, ताकि हम साइन अप फॉर्म का जो डेटा है वो स्टोर कर पाएँ। ओके, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आते हैं और यहाँ पे कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड कर देते हैं। पहले हम देख लेते हैं पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड ये हमने बनाए हैं। ओके, तो पासवर्ड का जो नाम था वो PWD था और कंफर्म पासवर्ड का नाम CPWD था। ठीक है, अब सबसे पहले हम फॉर्म में आके फॉर्म का कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म का मैंने नेम दे दिया साइन अप। ठीक है, एंड अब जो मैं फंक्शन बनाऊंगा जावास्क्रिप्ट का, तो उसे मुझे कब कॉल करना है वो भी बताना पड़ेगा। तो फॉर्म के अंदर, ठीक है, फॉर्म में हम एक एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं ओन सबमिट। मतलब जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तब मुझे फंक्शन को कॉल करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न चेक पासवर्ड। ठीक है, रिटर्न चेक पासवर्ड, तो इस नाम का मैं फंक्शन बनाऊंगा जो कि जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होगा, एंड उसको हमने ऑन सबमिट इवेंट पे कॉल कर दिया। ओके, तो फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट का जब भी हम कोड लिखते हैं तो उसको स्क्रिप्ट टेग के अंदर रखते हैं, एंड फंक्शन क्रिएट करना है तो मैंने फंक्शन का नाम दे दिया, फंक्शन लिखा, देन आफ्टर मैंने फंक्शन का नाम दिया चेक पासवर्ड। ओके, इसके अंदर आके हमने सबसे पहले इफ कंडीशन का यूज़ कर लिया। अब मुझे चेक करना है पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड से, तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट साइन अप। ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर जो साइन अप नाम का फॉर्म है उसके अंदर जो PWD नाम का हमारा पासवर्ड फील्ड है उसकी जो वैल्यू है उसको हमें कंपेयर करना है। ठीक है, तो हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट साइन अप डॉट पासवर्ड डॉट वैल्यू। अगर पासवर्ड की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है किसके, डॉक्यूमेंट कंफर्म पासवर्ड के अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, पासवर्ड की वैल्यू अगर कंफर्म पासवर्ड के इक्वल नहीं है तो हम यूज़र को मैसेज डिस्प्ले कर देंगे कि पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा CPWD, मतलब पासवर्ड को हम कंपेयर कर रहे हैं कंफर्म पासवर्ड से, अगर ये मैच नहीं होता है तो मुझे अलर्ट के थ्रू, जावास्क्रिप्ट का अलर्ट फंक्शन हम कॉल कर देंगे और उसमें हम एक मैसेज को डिस्प्ले कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने अलर्ट का यूज़ करते हुए अलर्ट फंक्शन के अंदर मैसेज दे दिया पासवर्ड एंड रिपीट पासवर्ड। पासवर्ड एंड रिपीट पासवर्ड फील्ड डज नॉट मैच। ठीक है, ये मैसेज आने के बाद हम चाहते हैं कि वापस कंफर्म पासवर्ड पे हमारा कर्सर जो है फोकस करने लगे, तो हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट साइन अप डॉट कंफर्म पासवर्ड डॉट फोकस। ठीक है, फोकस से क्या होगा कि जो हमारा मतलब उसके अंदर पॉइंटर इस तरीके से, जैसे आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे, जहाँ पे भी हमारा हम माउस प्रेस करते हैं, मतलब यहाँ से अब हमें टाइप करना है। ठीक है, तो वहाँ पे फोकस हो जाएगा। जैसे ये मैं बताता हूँ आपको, अभी हमारा यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, ठीक है, कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, मतलब जो भी टाइप करूँगा इसके अंदर टाइप होगा, तो वही होता है फोकस फंक्शन से। ओके, तो अगर मैच नहीं होता है तो हम ये मैसेज देंगे और कन्फर्म पासवर्ड पर हमने
हमारे पॉइंटर को रख दिया। एंड अगर मैच हो जाता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न ट्रू, ठीक है, इफ के बाहर आके। और मैच नहीं होता है तो यहाँ पे हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे ताकि हमारा फॉर्म सबमिट ना हो। ठीक है, तो अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ। पहले तो मुझे सारा डेटा फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने पासवर्ड दे दिया ए बी सी डी और कंफर्म पासवर्ड दिया ए बी सी, ठीक है, ए बी सी लिखा। अब ये मैच नहीं होगा तो हमें मैसेज आ गया पासवर्ड एंड रिपीट पासवर्ड फील्ड डज नॉट मैच। और अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर देता हूँ तो हमारा फॉर्म सबमिट होना चाहिए, मतलब डेटा सबमिट हुआ है, हालांकि हमने उसको रिसीव नहीं किया है एंड उसको डेटाबेस में स्टोर नहीं करवाया है। तो कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड का वर्क हो चुका है, दोनों को हम चेक कर चुके हैं। एंड उसके बाद हमें व्यू मॉडल्स डॉट पी वाई में आना है और एक मॉडल क्लास बनाना है। तो मॉडल्स डॉट पी वाई के अंदर आते हैं और यहाँ पे एक मॉडल क्लास बनाते हैं ताकि हम डेटा को स्टोर कर पाएँ। जो भी हम मॉडल बनाते हैं उसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है, एसक्यूलाइट में टेबल क्रिएट हो जाता है, डेटाबेस टेबल, और उसमें हम डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। तो मैंने लिखा क्लास एंड क्लास का मैंने नाम दे दिया एम्प्लॉय डिटेल। एम्प्लॉय का डिटेल मतलब जो साइन अप करते समय यूज़ एम्प्लॉय डिटेल देगा वो हमें स्टोर करवाना है। तो मैंने नाम दे दिया इसका एम्प्लॉय डिटेल, जो भी आपको नाम देना हो दे सकते हैं। एंड इसके अंदर हम लिखते हैं मॉडल्स डॉट मॉडल कॉलन का सिंबल। अब इसमें हमारे सारे फील्ड रहेंगे क्या क्या हमें स्टोर करवाना है। तो यहाँ पे अब मैं यूज़र मॉडल को यूज़ कर लूँगा, बट यूज़र मॉडल को अगर मुझे यूज़ करना है तो उसको मुझे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। अब यूज़र मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो यूज़र मॉडल जो है पहले से बना हुआ एक मॉडल हमें जेंगो प्रोवाइड करता है यूज़र नाम का, ठीक है, और भी मॉडल्स होते हैं बट यूज़र नाम का भी एक मॉडल हमें पहले से मिलता है। तो मैं यूज़ करता हूँ, मैंने लिखा यूज़र कॉमा ऑन डिलीट, इसको मैं फॉरेन की तरह यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ऑन डिलीट में मैंने बता दिया मॉडल्स डॉट कास्केड, ठीक है। तो ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट कास्केड ये मैंने लिखा ताकि अगर यूज़र मॉडल से डेटा डिलीट हो तो एम्प्लॉय डिटेल वाले में भी वो डिलीट हो जाए, ठीक है। तो यूज़र मॉडल अभी आप देख रहे हो रेड लाइन आ रही है क्योंकि इसको हमने इम्पोर्ट नहीं किया है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्रिब, फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्रिब डॉट अथ डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट यूज़र, ठीक है। तो यूज़र मॉडल को अगर आपको इम्पोर्ट यूज़ करना है तो आपको इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा एंड ये लाइन आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। अब ये हमने इम्पोर्ट क्यों की, हम यूज़र मॉडल को क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉई का कुछ डेटा मैं यूज़र मॉडल के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ। क्योंकि यूज़र मॉडल के अंदर हमें कुछ फील्ड्स मिलती हैं जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, ठीक है। तो ये सारा डेटा तो मैं यूज़र मॉडल के अंदर स्टोर कर लूँगा। एंड उसके अलावा जो डेटा है, जैसे कि हम बात करें एम्प्लॉई का कोड, एंड ठीक है, एम्प्लॉई का कोड बस यहाँ पर बचता है, ठीक है। तो वो हम स्टोर करेंगे किस मॉडल के अंदर, हमारे बनाए हुए एम्प्लॉई डिटेल मॉडल के अंदर। एंड उसके अलावा और भी डेटा हमें इसमें रखना है बट वो साइन अप करने के बाद हम यूज़र से लेंगे,
साइन अप करवाते समय हम केवल इतना डेटा लेना चाहते हैं, एंड जब साइन अप हो जाएगा तो हम उससे और भी कुछ डेटा मांगेंगे, जैसे कि एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है, उसका जेंडर क्या है, ठीक है, ज्वाइनिंग डेट कब का था, ठीक है, कब उसने कंपनी में ज्वाइन किया, डिपार्टमेंट कौन सा है, तो ये सारी डिटेल भी हम एम्प्लॉय से लेंगे, बट वो साइन अप के बाद हम डेटा प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो क्योंकि कुछ डेटा हमारा यूज़र मॉडल के अंदर रहेगा तो उसको हमने यहाँ पे एज अ फॉरेन की यूज़ कर लिया है, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे बना दिया एम्प्लॉय कोड। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड एंड ईमेल आईडी मैं यूज़र मॉडल के अंदर रखूँगा, बाकी का जो बचे हुए फील्ड्स हैं वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो मैंने लिखा एम्प्लॉय कोड मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड। ठीक है, मैं सभी के लिए कैरेक्टर फील्ड बना लेता हूँ, आप चाहें तो इंटीजर फील्ड ये सब भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम लेंथ दे दिया 100। ठीक है, वैसे 100 देने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पे दे देते हैं 50। और नल ट्रू कर दिया। ठीक है, अगर नल ट्रू देना हो तो दे सकते हैं, अदरवाइज ये भी देने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो हम वहाँ पे रिक्वायर्ड हमने लगाया है, मतलब फिल करना ज़रूरी है, तो यहाँ पे नल कंपलसरी नहीं है, आप हटा सकते हैं। ठीक है, इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, एम्प्लॉई कोड के बाद मैं दूंगा एम्प्लॉई डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन के बाद हमारा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, उसके बाद जेंडर, एम्प्लॉई का ज्वाइनिंग डेट। ठीक है, इतने फील्ड्स काफ़ी हैं, तो एम्प्लॉई कोड के बाद हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं एम्प्लॉई डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट की वैल्यू क्योंकि हमने नहीं प्रोवाइड की है तो यहाँ पर मैं नल इक्वल टू ट्रू दे देता हूँ, यहाँ तो देना ज़रूरी रहेगा। एम्प्लॉई डिपार्टमेंट के बाद एम्प्लॉई का डेजिग्नेशन, तो इसका नाम मैं दे देता हूँ डेजिग्नेशन, एंड इसमें भी नल को मैं कर देता हूँ ट्रू। ठीक है, साइज आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, डेजिग्नेशन का साइज मैं कर देता हूँ 100, एंड डिपार्टमेंट का साइज भी मैं 100 कर देता हूँ। उसके बाद हम कॉन्टैक्ट की वैल्यू स्टोर करेंगे, इसका साइज मैं रख देता हूँ 15, एंड नल की वैल्यू मैं कर देता हूँ ट्रू। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर के बाद जेंडर, एंड इसकी इसका साइज मैंने 50 कर दिया, एंड नल की वैल्यू ट्रू, क्योंकि ये डेटा भी हमने साइन अप करते समय यूज़र से नहीं लिया है। ठीक है, आप अगर यहाँ भी एम्प्लॉई कोड में भी नल इक्वल टू ट्रू लगा देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन आप यहाँ भी दे सकते हैं कॉमा कास्केड के बाद कॉमा नल इक्वल टू ट्रू। ओके, जेंडर के बाद ज्वाइनिंग डेट, ज्वाइनिंग डेट। ठीक है, ये भी हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे, जब अपना प्रोफाइल यूज़र सेट करेगा, लॉगिन के बाद यूज़र अपना प्रोफाइल सेट करेगा तो वहाँ पे ये सारा डेटा वो अपडेट करेगा। तो डेट के लिए हम कैरेक्टर फील्ड की जगह डेट फील्ड रख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने डेट फील्ड यूज़ कर लिया, और यहाँ मैक्स लेंथ की हमें ज़रूरत नहीं है, ओनली हम नल की वैल्यू ट्रू कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी हमारी फील्ड्स हो गई इस क्लास के अंदर, एंड एक हमारा फंक्शन हो जाएगा डिफाइन, तो यहाँ पे मैंने लिखा अंडरस्कोर अंडरस्कोर str, फिर दो बार अंडरस्कोर लगाया। ठीक है, तो हमारा फंक्शन हो जाएगा, एंड यहाँ पे मैं रिटर्न करवा देता हूँ
सेल्फ डॉट यूजर डॉट यूजर नेम, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बताऊंगा, ये कहाँ पे रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो अब ये जो मॉडल बना लिया इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये सारी हमने फील्ड्स दी हैं, यूज़र, एम्प्लॉय का कोड, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट, जेंडर, ज्वाइनिंग डेट, यहाँ फॉरेन की यूज़र लिखा, सबको कैरेक्टर फील्ड बनाया, लास्ट में डेट फील्ड बनाया। साइज देख लेते हैं एक बार, एम्प्लॉय कोड 50, डिपार्टमेंट का 100, ओके, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर, ठीक है, तो सब कुछ सही है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग हम चाहते हैं कि हमारा डेटाबेस टेबल क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए हमें टर्मिनल पे जाना पड़ेगा एंड इस कोड को एक बार स्टॉप करना पड़ेगा। तो कंट्रोल सी या कंट्रोल ब्रेक का प्रेस करेंगे, कंट्रोल सी या कंट्रोल ब्रेक को आप प्रेस करेंगे, फिर आप कमांड लिखेंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। तो जब भी आप मॉडल्स डॉट पी वाई में कुछ चेंजेस करते हैं तो आपको ये कमांड लिखना होता है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। एंटर किया तो आप देखो यहाँ बता रहा है एक मॉडल क्रिएट हो चुका है एम्प्लॉय डिटेल नाम का, जो कि जैसा कि हमने क्लास बनाई थी। एंड अब हमें इसको माइग्रेट करवाना पड़ेगा, ओके। तो माइग्रेट हो चुका है, एक हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है, डेटाबेस टेबल। अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, डेटाबेस में डेटा को स्टोर करवाना है। तो व्यूज डॉट पी वाई में हम क्या करेंगे, इस फॉर्म का सारा डेटा गेट करेंगे एंड डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।